मेरे पास जिंदल स्टेनलेस के 100 शेयर हैं कॉल एट द रेट 79। तो ओके मुझे अभी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो दैट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये 1000 टच करेगा विथ इन 1 ईयर और सैलरी एग्जिट। बढ़िया सवाल है आपको, बहुत बढ़िया। जिंदल स्टेनलेस में आज तमाम इनके पास 100 शेयर हैं, 79 रुपीज में खरीदे थे, आज 741 है, तो जोरदार प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। अब इनका सवाल है या इनकी मंशा ये है कि भाई ये कब 1000 टच करे, तो तब बेचे या फिर आप बुक कर लें। देखिए ये तो बढ़िया है काउंटर, और इसमें बहुत हाई चांसेस है कि ये आगे जाते हुए 870 तक जाएगा। ये तो इसमें कन्विक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। अभी इमीडिएट टारगेट्स में 870 की दिख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल टारगेट है, उसके ऊपर भी ये जाएगा। और 1000 की जो इन्होंने बात छेड़ी है, तो हो सकता है 1000 के लेवल भी देखने को मिले। टाइमिंग बताना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सर जैसा मैं बोल रही हूँ, रिजल्ट आने दीजिए। अगर रिजल्ट ने यहाँ पे भरपूर साथ दिया, तो फिर हमें यहाँ पे बिल्कुल 1000 के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो समय सीमा आप 3 से 4 महीने अभी तो मानिए, और उससे पहले आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ईश्वर की बढ़िया कृपा रहेगी। लेकिन अभी 870 तक के लेवल्स इंटैक्ट लगते हैं, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड करिए 870 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल मुझको अच्छा लग रहा है, वो तकरीबन आ रहा है 770 का। तो 770 का स्टॉप लॉस लगाइए 870 के पहले टारगेट के लिए अभी होल्ड। तो उदय साहब होल्ड, और जम के होल्ड पकड़ के रखिए इसको, 770 का स्टॉप लॉस 870 के टारगेट्स के लिए। और ईश्वर ने चाहा सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे नतीजे आए, तो जो 1000 रुपये की आप कामना कर रहे हैं वो भी पूरी होती नजर आएगी। अच्छा, अगर उदय जी लाइन पे है तो ये बताइए, आपने 79 तो काफी पीछे लिया होगा, इसको कितने साल, कब खरीदा था आपने, और दूसरा क्या सोच के खरीदा था? सर एक्चुअली मैं जब इसे लिया था तो बहुत लो लेवल पे था, लाइक 50 अराउंड। तो मैं जस्ट न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो उसी में देखा तो मुझे कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और कंपनी का ग्रोथ एज वेल एज मैनेजमेंट डिसीजन और प्रोडक्शन, ये सारा थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मैं लिया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आप जैसे निवेशक जो हैं औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, तो थोड़ा जानकारी रखना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कंपनी किस तरीके की है, फंडामेंटल कैसे हैं, और देखिए उसका फायदा मिलता है। CNBC आवाज़ तो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन भाई खुद से भी जो अपनी मदद होती है उस पर तो क्या बात है। और आज देखिए इन्होंने जब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे तो हमसे पूछा क्या करना चाहिए, आस्था जी ने बताया कि हाँ भाई इमीडिएट टारगेट इतना और आगे इतना, तो सब मिलके इन्हें ऑल सोने पर सुहागा। बहुत बधाई आपको।